दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 17 जुलाई 2023 सोमवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पांच विभागों में बड़ी भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के आज के ये फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑनलाइन फॉर्म की अपडेट आ चुकी है। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, WCD डिपार्टमेंट यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, SCL और भी अन्य विभागों में यहां पर भर्तियां निकली है, जिनके लिए 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 17 जुलाई 2023 की पाँच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन रेलवे में। भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है। स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। वैकेंसीज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जुलाई 2023 है। सैलरी की अगर बात की जाए तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए लेवल 2 के अंतर्गत, ग्रुप डी के लिए लेवल 1 के अंतर्गत है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रुप सी के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं या फिर ITI से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप डी के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और ITI से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर बिना ITI के भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ग्रुप सी के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ग्रुप डी के लिए 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरल OBC के लिए 500 रुपये है, इसमें 400 रिफंडेबल है। SST PWD EX सर्विसमैन EBC फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल यहाँ पर रिफंडेबल रहने वाली है। रिटर्न टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SECR.IndianRailways.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि CDPO की यहाँ पर ये भर्ती निकली है। वैकेंसी जो आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो कैटेगरी वाइज। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज ही से शुरू होने जा रही है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 16 अगस्त 2023 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 18 अगस्त 2023 है। सैलरी 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 22 से 35, 37, 38 और 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहां पर बात की जाए तो UR OBC EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SST के लिए 150 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। JPSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में। SCL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 184 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 अगस्त 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। hindustancopper.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड में।
चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड MRB तमिलनाडु TN के अंतर्गत ये भर्ती है। हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। 1066 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 जुलाई 2023 है। बात अगर यहाँ पर सैलरी डिटेल की जाए तो 19,500 से 62,000 है लेवल 8 के अंतर्गत प्रति माह के लिए। 12th बायोलॉजी, बोटेनी और यहाँ पर जूलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 32, 42, 50 वर्ष आयु सीमा है। फीस SC ST DAP PH के लिए 300 है। अदर्स कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। बात अगर यहाँ पर इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो बिना एग्जाम बिना परीक्षा के यहाँ पर ये भर्ती होने वाली है। यहाँ पर एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है mrb.tn.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN के अंतर्गत ये भर्ती है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन फर्स्ट और लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट की पोस्ट है। 116 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 20 जुलाई है। लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 है। सैलरी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400 से 112,400 है। टेक्नीशियन के लिए 19,900 से 63,200, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,900 है। 10th 12th पास ITI डिग्री धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। NIN.RS.INH की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 17 जुलाई 2023 सोमवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।